प्रदेश की सियासत में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई किरण चौधरी और अपनी ही पार्टी और नेता को न मानने वाले जेजेपी के दो विधायक आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसा न करने पर विपक्ष जहां उनकी आलोचना कर रहा है, वहीं यह रवैया संसदीय परंपरा के भी खिलाफ दिख रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ये तीन विधायक इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। राजनीति में शामिल नेताओं से लोग उम्मीद करते हैं कि कई नेता समाज के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, ठीक वैसे जैसे कोई खिलाड़ी या फिल्म स्टार या फिर आईएएस पास करने वाला युवक युवती दूसरे अहम उम्र लोगों के लिए रोल मॉडल हो सकता है। पर सियासत में अब ऐसी मिसाल मिलना मुश्किल है। सवाल ये कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में बेटी श्रुति चौधरी समेत शामिल हुई पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष से लगातार ये मांग कर रही थी और इसके लिए याचिका भी लगाई गई थी। बाकी विपक्षी दल भी नैतिकता की दुहाई देकर किरण चौधरी से उनका इस्तीफा मांग रहे थे। उस याचिका को हमने 4 सप्ताह का समय दिया है उन विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए। दुष्यंत जी का ये कहना था कि 4 सप्ताह का समय ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करके जल्दी सुनवाई की जाए। तो मैंने उनको एश्योर किया है कि मेरी तरफ से नियम जो कहते हैं या जो हमारी विधानसभा की परंपरा है उसके अनुसार हम इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे। यही क्यों जेजेपी के दो विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा और जोगीराम सिहाग भी जिस जेजेपी पार्टी से विधायक बने वो उस पार्टी को और पार्टी के नेता को अब मानते ही नहीं, खुलेआम बीजेपी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सवाल इनकी नैतिकता पर भी है कि आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। 4 हफ्ते का नोटिस दोनों विधायकों को भेजा गया है विधानसभा की ओर से कि वो हमारी पिटीशन पे जवाब दे, और जैसे ही जवाब आएगा 18 या 19 तारीख का आखिरी है उस दिन हेयरिंग कर फिर आगे की कार्रवाई विधानसभा की प्रणाली कि जो रूल्स होते हैं वो कभी भी सब्सटेंटिव लॉ को डिफीट नहीं करते। रूल्स आर ऑलवेज टू सबसर्व द जस्टिस नॉट टू डिफीट द जस्टिस। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यक्ष जी का फैसला देना ये एक बहुत गैर कानूनी और एक बड़ी ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि अगले विधानसभा चुनाव में अब महज 2-3 महीने ही बचे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि किरण चौधरी हों या जेजेपी के दोनों विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे दल से मिल गए पर विधायकी नहीं छोड़ रहे, ऐसा कौन सा डर है? ये सवाल और बात तो सही है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़।